हेलो बच्चों इसके पहले हम लोग देख रहे थे ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन अब हम लोग रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए फार्मूला निकालेंगे तो इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा था कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी थी वो क्या निकली थी ईक्ल टू ई वन थीटा प्लस ई टू थीटा ठीक है तो अब ये जो E1 और E2 की वैल्यू आई हैं वो आप रख दीजिए यहाँ पर e इक्वल टू ई वन कास्थीटा इसमें रखना है आपको प्लस ई टू थीटा ठीक है ज़रा सा देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा जो आपने अभी तक पिक्चर में देखा था उसको समझ लीजिए फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू ई वन एंड ई टू आर इक्वल बट द डायरेक्शन आर डिफरेंट सो रिजॉल्विंग ई वन एंड ई टू इन टू कंपोनेंट्स Perpendicular component of AB that is E1 sin theta and E2 sin theta will be cancelled because they are equal and opposite to each other. Theken. While parallel components of AB that is E1 cos theta and E2 cos theta will be add up. That is the resultant electric field. एट पॉइंट पी विल बी ई इक्वल टू ई वन कास्थीटा प्लस ई टू कॉस्थीटा ठीक है वैल्यूट सब्टीट्यूट कर दीजिए इसमें तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन जीरो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस् थीटा प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन जीरो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अब देखिए ये कॉस थीटा है यहाँ पे ये कॉस थीटा हो जाएगा ठीक है तो वन अपॉन फोर पाई एफ सेवन जीरो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू कॉस थीटा ठीक अब कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं वो निकाली थी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ़ वो यहाँ पे रख दीजिए तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर पाइप सेवन जीरो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू कॉस थीटा की जगह पर रख दीजिए एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर हाफ़ तो ये हो जाएगा देखिए टू क्यू एल टू क्यू एल को हम लोग लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट पी तो ये हो जाएगा पी अपॉन ये ठीक है अगर एल की वैल्यू बहुत छोटी हो एज कम्पेरिजन टू आर तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं तो दिस विल बिकम्स ई इक्वल टू वन अपॉन फोर पाइप सेवन जीरो के पी अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर को थोड़ा नेग्लेक्ट कर देंगे पावर थ्री बाई टू ठीक है ये टू से टू कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर थ्री आर की पावर थ्री तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा ई इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एफ सेवन जीरो के पी अपॉन आर क्यूब ठीक है एयर और वैक्यूम के लिए के की वैल्यू वन होती है देआर फोर ई इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एफ सेवन जीरो के पी अपॉन आर क्यूब तो आपने देखा था कि जो एंड ऑन पोजिशन है और ब्रॉड एंड ऑन पोजिशन में भी ई इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एफ सेवन जीरो के पी अपन आर क्यूब आया था और ये ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन में भी यही चीज़ आपकी आई थी ठीक है तो दोनों ही फार्मूले का दोनों ये सेम है पोजीशन आपकी अलग अलग है एक केस ऐसा भी हो सकता है कि जो ना तो जो है एक्सियल पोजीशन हो ना इक्वेटेरियल पोजीशन हो यानी पी एक ऐसा पॉइंट हो कि जो कि कहीं भी रखा जा सकता है तो इसके लिए भी एक केस है लेकिन ये दो इम्पॉर्टेंट केस आपको ये मिलेंगे अब इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो ये है कि हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में तो आप लोग इतना करिए इसकी दो पोजिशन होती हैं डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर जो फील्ड निकाली जाती है तो पहली जो पोजिशन थी वो थी एंड ऑन पोजिशन और दूसरी पोजिशन थी ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन ये दोनों आप तैयार कर लीजिएगा इसमें से एक पूछा जा सकता है एग्जाम में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है ठीक है थैंक यू